कितनी शक्तिशाली होगी पायलट की घर वापसी। पिछले एक महीने से राजस्थान सरकार के राजनीतिक घमासान को लेकर प्रदेश की जनता भी सकते में है। इस पूरे घटनाक्रम में राजस्थान में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा तीनों राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा रखी है। इस राजनीतिक उठापटक में जहां पार्टी टूटने के शुरुआती हमले कांग्रेस से शुरू होकर भाजपा तक पहुंचे, वहीं इस मामले में भाजपा को बड़ी हार देखने को मिली है। जहां भाजपा केंद्रीय आलाकमान ने सरकार बनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दी, वहीं से राजस्थान भाजपा में दो फाड़ होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। उधर ज्योतिरादित्य से मुलाकात के अगले दिन पायलट ने नई पार्टी बनाने के संकेत दिए। इस सारी कवायतों में गुप्तचर सूत्रों ने बताया कि वसुंधरा राजे के 40-45 विधायक और पायलट के 35 विधायकों के समागम से इस नई पार्टी का जन्म होना था। इसके बाद पायलट पक्ष के भजनलाल संजय जैन और गजेंद्र सिंह के कथित ऑडियो टेप ने समीकरण को बदल दिया। इसे भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने संघ के फीडबैक को गंभीरता से लिया, जिससे आरएसएस ने कहा कि जनता के बीच भाजपा का विधायक खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने वाली पार्टी का संदेश जा रहा है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है, भाजपा को सरकार गिराने के प्रस्ताव को रोकना होगा। राज्यपाल महोदय ने आगामी 14 अगस्त से विधानसभा सत्र को जैसे ही मंजूरी दी, कांग्रेस भाजपा के बनते समीकरण बदलते गए। वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं की पायलट को की गई समझाइश भी रंग लाने लगी। इसके बाद पायलट ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मिलने का वक्त मांगा। इसी बीच सोमवार रात्रि हुई मुलाकात के बाद पार्टी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल व केसी वेणुगोपाल होंगे। इस कमेटी का कार्य पायलट की सारी समस्याओं को सुनना और सम्मानजनक तरीके से समाधान होगा। वैसे इस वक्त चल रही दोहरी राजनीतिक घमासान के बीच ये कहना सही ही होगा कि राजस्थान में क्षेत्रीय नेताओं का वर्चस्व केंद्रीय नेताओं से बहुत अधिक है। अब देखना यह है कि ये मुलाकात क्या रंग लाती है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच किस तरह मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा, नए सिरे से या ये सरकार 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर चलेगी। वहीं सूत्रों से पता लगा है कि ये मुलाकात राजस्थान के राजनीतिक दृष्टिकोण में एक नया आयाम लेके आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत।